ये देखो भाई, ये खत्म हो गया पूरा पूरा फोन का काम खत्म। हेलो गाइस, दिस इज योर शुभम जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवलर शुभम। पीछे खुदो तो बात। तो आज मैं यार फिलहाल आया हूँ। अरे मार खा के बस्ती मत करो, चुपचाप रहो। तो फर्स्ट जैन को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, ना उस वीडियो का नाम है माय फर्स्ट ब्लॉग। तो उस ब्लॉग में मैं कहीं जा रहा था, बट बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा पाया, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी मैं आया हूँ सुबह सुबह, अभी बज रहे 5:30 बजे आज मैं उठा। मेरा बहुत दिन से प्लान था यार कि आज मुझे ब्लॉगिंग करना ही है, इतने दिन हो गए कैमरे छुए, मुझे आज करना ही है। तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखते हैं आगे चलते हैं। वहाँ पे बहुत शानदार नज़ारे होने वाले और आज सनराइज़ हम लोग यहीं देखेंगे, सूर्योदय। मेरे साथ अजय भी है, ये चल रहा है पीछे, बहुत बदमाश लड़का है ये भी यार, कहो। लेकिन ये क्या, उठो, ये गलत काम है, सही सोना चाहिए। ट्रैक पे ट्रेन आ गई तो उठ जा। वैसे यार कुछ भी हो, यहाँ आने के बाद जो मज़ा आता है वो सच में बहुत ही जबरदस्त है कि नहीं। सुबह सुबह अभी 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं आई थिंक, और इतना मस्त वेदर हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पीछे ये बादल, देखिए कितने काले काले हैं, इतना ठंडा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मुझे और आगे जाना है, आगे एक ब्रिज है, पुल है, पूरा नदी है, पुल है, वो बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे मैं आना चाहता था उस दिन सुबह, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि बहुत सारा फॉग था और उतने फॉग में आने में अच्छा नहीं था, बहुत ठंडी भी थी तब। अभी तो मौसम आप देख ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग ये ट्रैक पे बैठे हैं, मस्त लग रहा है यार, एकदम चिल मन कर रहा है, यहीं आराम से 1-2 घंटा बैठे रहें। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी। पहले मैं बचपन में यहाँ अपने पापा के साथ आया करता था, काफ़ी मैं छोटा था, अजय से थोड़ा सा बड़ा था मैं, तब आता था उन पापा के साथ। बहुत शौक था सुबह सुबह उठ के आने का, 5 बजे हम लोग उठते थे, पापा उठाते थे तो उनके साथ आते थे, वहाँ ब्रिज पर आते थे, घूमते थे, टहलते थे, दौड़ते थे, थोड़ा ऐसे बैठ के रेस्ट करते थे, ठंडा ठंडा हवा रहता था, गर्मी में तो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी फ़िलहाल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ बहुत लोग आते हैं, आगे आप ब्रिज पे जाएंगे देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत लोग दिखेंगे, बैठे रहेंगे, ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे, ये चाचा भी चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यार यहाँ ये भी बहुत है कि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं। ये जो ट्रैक है इसी पर लोग चलते हैं, इसी ट्रैक पर जो कि ट्रेन आती थी तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। तो यहाँ पे इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये अलग से, रुके मैं दिखा रहा हूँ, ये अलग से, ये आप देख सकते हैं, ये जो रोड ये आपको दिख रहा है, ये साइड में चलने के लिए पूरा बना दिया है मिट्टी डाल के। पहले ये बहुत पतला हुआ करता था, अब ये पूरा बड़ा चौड़ा हो गया काफ़ी, यहाँ पे आराम से 2-3 लोग साथ में चल सकते हैं। यहाँ से JCB से मिट्टी खनी गई है, ये देखिए आप, ये पूरा गया है सीधा वहाँ तक, वो यहाँ से पूरा मिट्टी खन के यहाँ पे ये आपको पूरा बनाया गया है रास्ता चलने के लिए, ताकि लोग ट्रैक पे ना चलें और ट्रेन आए तो एक्सीडेंट ना हो। बादल देखो यार, क्या ज़बरदस्त बादल, कितने, मतलब क्या नज़ारे हैं, ऐसा देख के एकदम अंदर से दिल खुश हो जाता है। कितना भी गर्मी रहे एकदम एनर्जेटिक, मतलब लगता है हाँ पूरा एकदम जोश भर गया है अंदर। ये देखो आप यहाँ के सीन्स कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा इतनी ठंडी है कि कहने वाली बात नहीं। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं उठूँ आऊँ, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, एकदम क्या बताऊँ, मैं खुद परेशान हो गया था। लेकिन अभी जो हो रहा है ना भाई, अभी जो आनंद मिल रहा है ना, ये तो अब मुझे रोज़ आना होगा, अब तो मैं रोज़ आऊँगा यहाँ पर, रोज़ सुबह उठ के अपना आऊँगा यहाँ, मॉर्निंग वॉक करूँगा, घूमूँगा, फिरूँगा, दौड़ूँगा, बहुत मज़ा आएगा। आज यार ब्लॉगिंग किए मुझे बहुत दिन हो गए। आप लोग सोचेंगे इतने दिन से मैं था कहाँ पे, था यहीं पे था, लेकिन
क्या बताऊँ, अब बोलूँगा बार बार एक ही चीज़ तो वो भी नहीं अच्छा है कि बहुत बिजी था ये वो कुछ नहीं, जो था था, अभी से है जो अच्छा रहेगा। अभी से मैंने प्लान किया है कुछ करने का, आप लोग को एक दो दिन में पता चल जाएगा वो भी। और वैसे यार थोड़ा समझा करो, अभी अमन भाई बोले कि अरे भाई इतने दिन बाद फ़ोन चोरी हो गया था, पासवर्ड भूल गए थे। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ना फ़ोन चोरी हुआ था ना पासवर्ड भूला था, मैं तो यहीं पर रहा, सब कुछ ओके था। ये बस यार एक मस्ती भरा ब्लॉग था, मुझे बस सुबह सुबह आना था, किसी तरह मुझे उठ के आना था बस। मेरी आदत बहुत ख़राब हो चुकी है, मुझे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, तो बस आज से अब मैंने ट्राई किया, अब आज से मैं पर डे सुबह उठूँगा। बचपन की बहुत सारी यादें यहाँ जुड़ी हैं यार, मतलब सोचता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ। तो इसीलिए मैं फर्स्ट जैन को यहाँ आने वाला था कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी मेरा ये पसंदीदा प्लेस है, मुझे ये बहुत पसंद है, खास करके सुबह सुबह यहाँ पर ज़्यादातर लोग सुबह ही आते हैं। दिन में फिर धूप निकल जाने के बाद तो कोई मतलब निकलता नहीं, गर्मी बढ़ जाती है वैसे ही। सुबह सुबह जो हवा, जो ये वेदर हुआ है, ये बहुत ही कमाल का है, बहुत बेमिसाल है। आप देखो इधर पूरा, मैं आप लोग से जिस जगह की बात कर रहा था वहाँ आप लोग फिलहाल आ गए हैं। पता नहीं आप लोग को आवाज़ मेरी साफ सुनाई दे रही होगी कि नहीं, क्योंकि हवा बहुत ही ज़्यादा तेज है। अभी मैं यहाँ सुबह सुबह आया टहलने के लिए, तो यहाँ मुझे मेरे एक दोस्त मिल गया शक्ति ओम भाई, उनके साथ कल रात को एक कांड हो गया, कल शाम को, रात को नहीं। वो आए थे ऐसे ही यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे अपने फ्रेंड लोग के साथ, मस्ती कर रहे थे ट्रैक पे, वो लोग बैठे थे, तभी एक ट्रेन आई शाम की, और वो हट गए, वो फ़ोन का ध्यान नहीं दिए, उनका फ़ोन ट्रैक पे ही रह गया। और वो ट्रेन आई पूरा फ़ोन पे चढ़ गई, उनकी फ़ोन हो गई एकदम चकनाचूर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वही आए हैं देखने, वो फ़ोन को अपने खोज देखने आई कहाँ पे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा था, उन्हें दिखा नहीं, और वो सिम देखने आया। तो फिर देखते हैं मिलता है नहीं आपका फ़ोन मिला। ओह ये फोन वहाँ है, ये देखो भाई ये खत्म हो गया पूरा, पूरा फोन का काम खत्म। जब ट्रेनिया गई तो साला आप दोनों भाई बैटरिया है ना, बैटरिया ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। उसके बाद साला महकने लगा पूरा धजिया उड़ गया। हम लोग कहें साला ट्रेनियन सेब लग के जा रहा है या एप्पल। ये देखो फोन का बैक कवर सेब रखे थे, देखो फोन की पीसीबी, ये देखो भाई यहाँ फोन था। तो सिम मिला आपका, सिम मिला कि नहीं? सिम एक मिला है बस, एक और, एक देख और। सिम का क्या हाल हुआ है? ओहो हो, सिम भी काम कर रही, तो इसी नंबर पे आप दूसरा निकलवा लीजिएगा। हाँ, क्या करेंगे, मिल जाए तो। ये है शक्ति ओम भाई। तब आपको कैसा लग रहा है आप बताइए, आपका फोन तो खराब हो गया। अरे भाई किसी का मोबाइल चल जाए उससे पूछा जाए कैसा लग रहा है, जले पे नमक रखने के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। शक्ति ओम भाई के साथ हुआ कुछ ऐसा कि वो शाम को बैठे थे यार, ट्रेन आई हड़बड़ी में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसी हड़बड़ी में वो फ़ोन अपना ऐसे ही पटरी पे ही भूल गए, और ट्रेन चढ़ गई उस पर फ़ोन पूरा ब्लास्ट हो गया, चिथारे उड़ गए। आप लोग ने तो देखा ही, और J2 सैमसंग का वो J2 फ़ोन था। अब क्या करेंगे, अब अफसोस ही कर सकते हैं, आगे से ध्यान देंगे ऐसा कुछ ना हो। फिलहाल अभी देखो यार, अभी बज रहे हैं 6 बजे, देख रहे हो क्या ये, मतलब इतना तेज़ धूप हो गई है। देखो आप अभी सुबह 6 बजे ये हाल है, इतनी तगड़ी धूप है, सोचो दोपहर में यहाँ क्या हाल होता होगा। बहुत गर्मी पड़ रही है यार, यहाँ बारिश भी नहीं होती, पता नहीं क्यों इतने सारे बादल आए, बादल सब चले गए, बारिश का कुछ पता ही नहीं। पहले हम लोग यहाँ आते थे अपने दोस्तों के साथ, 5-6 दोस्त, हम लोग 10 लोग रहते थे यहाँ पे, हम लोग आते थे बचपन में। यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड बड़ा था, तब ये ऐसी ये गड्ढा नहीं खना हुआ था, तो हम लोग यहीं पे खेलते थे सब लोग, बहुत ही मज़ा आता था। मतलब यार बचपन की बात ही अलग थी, कबड्डी खेलते थे, बहुत सारे गेम खेलते थे,
अब पहले यहाँ पे ये पत्थर ये सब नहीं लगा था, ये सुंदरीकरण नहीं हुआ था, यहाँ अभी सुंदरीकरण हो गया। ये पूरा पत्थर बिछ गए हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर, उधर देखिए वो पूरा पत्थर है। ये सब पहले ये नहीं था, ये पेंटिंग हो गया है, ये सब पहले नहीं था, पहले सिर्फ नॉर्मल है। जैसे यहाँ पे पूरा ये घास है, मिट्टी है, वैसे ये भी था, अब उसी के ऊपर ये पूरा पत्थर बिछ गया है। बस इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।